हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग में। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने एनटीपीसी परीक्षा को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट दी है, बहुत ही बड़ी अहम जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, जब एनडीटीवी इंडिया के संवाददाता ने रेलवे भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने एनटीपीसी परीक्षा को लेकर क्या कहा है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कहीं मत वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब देख लेते हैं दोस्तों पूरी खबर। तो दोस्तों देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में अभी समय है और रेलवे भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने एनडीटीवी को बताया कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तारीख जो है वो अभी तय नहीं की गई है। बोर्ड अन्य भर्ती परीक्षाओं को आयोजित कराने का काम कर रहा है, ऐसे में एनटीपीसी परीक्षा में अभी समय है और रेलवे भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि 4 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा। तो दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि जब एनडीटीवी इंडिया के संवाददाता ने रेलवे भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, उन्होंने बताया कि अभी जो है एनटीपीसी का कोई भी एग्ज़ाम डेट या एडमिट कार्ड के बारे में कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई है। क्यों फिक्स नहीं की है? तो दोस्तों, वो जो है बताया कि वो अन्य भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जेई और अभी जेई की परीक्षा चल रही है और आप लोगों को पैरामेडिकल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो दोनों एग्ज़ाम जब तक कि खत्म नहीं हो जाते तब तक कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। माना यह जा रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा और अगस्त के प्रथम सप्ताह तक आप लोगों का एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जुलाई में आप लोगों का एग्ज़ाम शेड्यूल आ जाएगा कि कब कैसे कौन सा एग्ज़ाम आप लोगों को देना है। ठीक है, तो वो आप लोगों को जुलाई में आ जाएगा, जुलाई के अंतिम सप्ताह में, और अगस्त के प्रथम सप्ताह में आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, हो सके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ पे हो सके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले रियल और ऑथेंटिक डाटा आप लोग पहुँच पाएगी। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।